What's up guys, I'm Siddhant and you are watching Siddhant India. Welcome back to my new vlog. आज इस vlog में मैं दिखाने वाला हूँ जो मेरा flat है यहाँ पे ऊपर, जो कि National College of Ireland का college accommodation है. मैं आज उसका टूर कराने वाला हूँ आप लोगों को. और ये पीछे हमारा कॉलेज है यहाँ पे, अभी ये बंद है, पर जब ये खुलेगा तो मैं आप लोगों को इसका भी टूर कराऊंगा. पर अभी फ़िलहाल के लिए ये बंद है, तो अभी मैं आपको अपने एकोमोडेशन का टूर कराऊंगा. और बहुत अच्छी लाइन सुनी मैंने आज एक आइंस्टाइन की, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा. वो लाइन थी कि विच यू काउंट दैट डजेंट काउंट इन रियल वर्ल्ड एंड दैट थिंग विच यू डोंट काउंट That actually counts. ये थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप है, तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा क्या कहना चाहते हैं आइंस्टाइन. ही वॉन्ट्स टू से दैट द थिंग विच वी काउंट लाइक मनी वी काउंट बट डज दैट रियली काउंट एंड द लव फ्रॉम आवर फैमिली विच वी कांट काउंट दैट रियली काउंट्स. ये देखिए, ये पीछे पूरा कॉलेज अकोमोडेशन है और ये एरिया है यहाँ पे बैठने के लिए. और इधर ये हमारी लाइब्रेरी है कॉलेज की, ये अभी बंद है जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. और इधर ये बिल्डिंग्स है, तीन बिल्डिंग है एकोमोडेशन की. अब मैं आप लोगों को पहले थोड़ा बाहर में दिखाता हूँ कि हमारे एकोमोडेशन के बाहर बाहर क्या क्या ग्रोसरी स्टोर्स है और एसेंशियल शॉप्स क्या क्या है. तो चलिए बाहर चलते हैं. ये हमारे हॉस्टल का बैक डोर है और ये पार्किंग का शटर है. नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इधर बाहर निकल के. अभी ये देखिए, ये पार्किंग है, ये वैसे बंद है अभी, बट अभी पता नहीं कुछ काम होगा तो खोली होगी. वैसे बहुत टाइम से ये बंद है पार्किंग. और ये बाहर का एरिया है हमारे कॉलेज का. ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये जिम है हमारा, यहाँ पे हम आते हैं. बट ये जिम भी बंद है अभी कोरोना की वजह से. अगस्त में खुलेंगे यहाँ पे जिम. वैसे ये कॉलेज का जिम है और ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फ्री होता है यहाँ पे सभी के लिए. ये पास में शॉप है एक सामने फोटोकॉपी की, ये फोटोकॉपी की शॉप है बट कॉलेज में सस्ती होती है फोटोकॉपी, तो वहीं से ही कराते हैं सारे. और ये यहाँ पे लुअस, राम को यहाँ पे लुअस कहते हैं. ये कॉलेज के आगे से जाती है और यहाँ पे ये सामने फार्मेसी भी है अगर आपको कुछ लेना हो तो. ये हमारे पीछे एक स्टोर है यहाँ पे फ्रेश, यहाँ पे सब कुछ मिलता है आपको. ये सीधा हॉस्टल के नीचे ये कॉलेज एकोमोडेशन के, ये ऊपर कॉलेज एकोमोडेशन है और ये नीचे स्टोर है, ये ऊपर से भी दिखता है. यहाँ पे सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए. तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर जाके कुछ सामान खरीद के दिखाता हूँ. ये हमारे कॉलेज का फ्रंट साइड है, कॉलेज के सामने ही ये हमारा लुअस का स्टेशन है एकदम फ्रंट में. इधर एक स्टोर है कॉलेज के सामने ही MNS. अभी यहाँ पे लाइन लगी हुई है बाहर कोरोना की वजह से, थोड़े थोड़े कस्टमर्स को अंदर जाने दे रहे हैं.
भाई हमने M&S से सामान ले लिया है, हमने ये लिया एक दूध एक ब्रेड। ये दूध यहाँ पे आया है 75 सेंट्स का आया है 1 लीटर, 2 लीटर आता है 1.5 का, तो ये अराउंड होता है 60 रुपीज़ का। और ब्रेड में लाया हूँ 90 सेंट्स की, जो होती है अराउंड 70 रुपीज़ की। और अगर आप और ग्रॉसरी का सामान देखना है तो मेरी एक और वीडियो देख सकते हैं आप जाके, ग्रॉसरीज इन आयरलैंड करके, विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और आपको और कोई वीडियोस चाहिए जिस टाइप की चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वैसी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और यार आप प्लीज़ जो लोग आते हैं सब्सक्राइब कर दिया करो, एक मोटिवेशन मिलता है। मैंने देख रहा था कल ही अपने एनालिटिक्स कि 60% जो लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब करे जा रहे हैं वीडियोस, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो, सारे चैनल एकदम फ्री है, एक मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपना एकोमोडेशन दिखाता हूँ। ये हम अपना वापस आ चुके हैं एकोमोडेशन के पीछे वाले गेट पे। यहाँ पे हमें अपना कार्ड लगाना होता है ऐसे हॉस्टल का, फिर ये अनलॉक होता है। मेरा कार्ड इस मेरे वॉलेट के अंदर है। ये बैक डोर एंट्री है कॉलेज एकोमोडेशन में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। कि यहाँ पे आप इस फ़ोन से भी खोल सकते हो नीचे वाला गेट, वो जो की का बटन है वो दबा के। ये यहाँ पे किचन है, इधर टेबल लगी हुई है, एक फ्रिज है और 2 फ्रिज इधर है और एक वॉशिंग मशीन, ये स्टोव, इसके नीचे ओवन है। पहले हम ये अपना रख देते हैं फ्रिज में। ये यहाँ पे माइक्रोवेव है एंड दिस इज़ द कॉमन स्पेस। यहाँ पे 4 सोफे लगे हुए हैं एंड एक टेबल है। ये टेबल पता नहीं किस चीज़ की, आज तक हमें पता नहीं चला है छोटी सी टेबल क्यों रख रखी है इन्होंने। एंड ये देखिए, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। ये मेरे को सबसे अच्छी जगह लगती है पूरे अपार्टमेंट की, क्योंकि इधर से व्यूज और व्यू आता है। और यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से हवा आती है इतनी अच्छी, यहाँ पर हवा इतनी तेज़ चलती है, मज़ा आ जाता है बहुत। चलिए अब मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है एक, ओह शिट, ये रूम तो बहुत गंदा पड़ा है। अभी रुकिए मैं इसको साफ करता हूँ। साफ। तो यार कुछ आप लोगों को ऐसा रूम मिलेगा, ये बेड है, इसमें आपको डुवेट पहले से मिलेगा, पिलो भी मिलेगा। ये इधर एक विंडो है जो बहुत ही अच्छी है, इधर से बहुत सही रोशनी आती है। और एक आपको ये टेबल मिलेगी, इस टेबल पे आपको ये लैम्प पहले से लगा मिलेगा रेड वाला। और ये एक ऐसी चेयर मिलेगी, और एक आपको ये मिलेगा यहाँ पर बुक्स रखने के लिए, एक बोर्ड। ये बोर्ड कुछ रूम में है कुछ में नहीं है। ये गिटार नहीं मिलेगा आपको, आपको इधर एक ऐसा वार्डरोब मिलेगा काइंड ऑफ, ऊपर भी सामान रख सकते हैं आप और इधर कपड़े लटका सकते हैं और इधर अंदर भी आप रख सकते हैं नीचे तक, इधर आप अपने शूज रख सकते हैं। तो ऐसा सा आपको रूम मिलेगा, बहुत सही है ये रूम अगर आपको सिंगल के हिसाब से चाहिए तो। बाहर आपको इससे सस्ता नहीं मिलेगा सिंगल रूम, सो दिस इज़ द चीपेस्ट रूम इन डबलिन सिटी सेंटर।
अगर आपको सिंगल सीटर चाहिए तो, एंड आपको पर पर्सन इस रूम के अराउंड पड़ते हैं 850 यूरोज, जो होता है अराउंड 69-70,000 पर मंथ पर पर्सन। इधर 6 रूम्स है, हम 6 बंदे रहते हैं, 6 BHK है ये, ऐसे 6 रूम है और वो हॉल किचन है, तो टोटल 4,20,000 इस फ्लैट का रेंट है। ऐसा आपको बाथरूम मिल जाएगा इसमें अटैच्ड, ये देखिए, ये था कुछ छोटा सा वीडियो एक जो हमारे एकोमोडेशन का और उसकी आसपास की जगह दिखाने का। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो ये देख सकते हैं, उनको बहुत हेल्प होगी, वो वहीं से ही अपना डिसाइड कर सकेंगे कि हमें कहाँ रहना है, कितना प्राइस है और यहाँ पे कैसा आपको मिलेगा। आई थिंक मेरे तरफ से अगर मैं बोलूँ तो आपको यहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पास भी मिलता है एकदम कॉलेज के अंदर ही, आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, अगर आपका इतना बजट है तो आपको यहीं रहना चाहिए, एकदम परफेक्ट जगह आपके लिए। वैसे अगर आप बाहर रहना चाहें तो आपको 500 यूरोस तक का मिल जाता है, और अगर सिटी सेंटर में देखेंगे तो 600 के अराउंड आपको अप्रॉक्स मिल जाता है, 500-600 के अराउंड, पर उसमें आपको शेयरिंग करनी होती है। और यार वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरा बर्थडे आता है 18 अगस्त को, तब तक के लिए मैंने प्लान कर रखा है 1,000 सब्सक्राइबर कम से कम, तो जल्दी से जाके उधर रेड बटन को दबा दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू डू डोंट फॉरगेट टू गिव द बिग थम्स अप, एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको पता चल जाएगा व्हेन माय नेक्स्ट व्लॉग गोज लाइव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।